सामने एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हम अपनी इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा से भारत दर्शन नर्मदा परिक्रमा पर निकले हुए हैं और ये खड़ी हुई है हमारी महिंद्रा की ट्रियो जोर, जो कि एक इलेक्ट्रिक लोडर ऑटो रिक्शा है। और इस ऑटो रिक्शा से हम भारत भ्रमण करेंगे, भारत दर्शन करेंगे। हमारा देश कैसा है, हमारे देश के अनेक राज्य हैं, अनेक भाषा, अनेक खान पान, वो सारी चीज़ें हम अपने YouTube चैनल पर दिखाएंगे और डालेंगे और बहुत सारी जगह हम घूमेंगे। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे और दिखाना चाहते हैं कि ये बना हुआ है इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट, अभिषेक ऑटोज इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट, EV चार्जिंग पॉइंट। तो दोस्तों, इसका ये बोर्ड लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं ये सामने पे जो बोर्ड है, और ये चार्जिंग पॉइंट है। मैं बाहर से दिखा देता हूँ दोस्तों, ये देखो, ये चार्जिंग पॉइंट है, एकदम सेम पेट्रोल पंप की तरह है। और यहाँ पे कार खड़ी होने के लिए जगह है, और यहाँ पे दो नोजल दिखाया गया है, दो नोजल दिया गया है। पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, एक नोजल ये है और दूसरा नोजल ये है। और ये नोजल क्या रहता है कि इलेक्ट्रिक कार में ऐसे ये घुसता है, ऐसा ये नोजल रहता है, और जो इलेक्ट्रिक कार रहती है, कार में इसे ऐसे घुसा दिया जाता है, और इसके बाद में पेमेंट वगैरह किया जाता है। तो इस पर ऐसा दो नोजल है, और यहाँ पे स्कैन करना पड़ता है, स्कैन करने के बाद में पेमेंट वगैरह टाइमिंग वगैरह सेट करना पड़ता है। ये स्कैनर है इसका, और ये करने के बाद में ये चालू होता है। नहीं, हमारी ऑटो रिक्शा, तो सर जी से बात हुई, उन्होंने बोला 50 रुपये लगेगा, और 50 रुपये में हमारी बात डर हुई है और हमने अपनी ऑटो रिक्शा को चार्ज पे लगा दिया है। तो यहाँ पे ये अलग से एक बोर्ड बना हुआ है, ये देख सकते हैं आप ऐसा, और यहाँ से सप्लाई हमें मिली है, और ये सप्लाई यहाँ पास हमारी ऑटो रिक्शा में, और ये फिर हमारा जो चार्जर है, ये चार्जर यहाँ पे चार्ज हो रहा है। दोस्तों, अब दोपहर का टाइम हो चुका है और हमें भूख भी लग चुकी है, हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं। ये हमारे जो मैडम जी हैं, सीता जी, ये खाना बना रही हैं, देखो। और ये सारा सिस्टम हमारे साथ में ही रहता है, ये गैस है, ये सिगड़ी है, ये अभी पानी इन्होंने लेकर आया है, वहाँ से बहुत दूर से पानी आया है। और मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये चावल पक रहा है, अभी चावल चालू है पकना, और सब्जी काट रही हैं, तो चावल और सब्जी हम लोग बनाएंगे। और चावल, दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल RC साहू EV लिंक पर, और हाजिर हैं हम आपके सामने एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तो दोस्तों, अभी हम नासिक से इंदौर जा रहे हैं, और इंदौर से भी आगे जाएंगे हम उज्जैन, जय महाकाल की नगरी में, बाबा भोलेनाथ की नगरी में। और हम वहाँ जा रहे थे, तो हमें रास्ते में हमारी जो ऑटो रिक्शा है इलेक्ट्रिक, आप देख सकते हैं ये सामने खड़ी हुई है, इसकी बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी थी, तो हमें रास्ते में एक चार्जिंग पॉइंट मिला है, और यहाँ पे हम ऑटो रिक्शा लेकर आए हैं और हमने चार्ज में भी लगा दिया है। लेकिन आगे की जानकारी हम आपको बताते हैं, उससे पहले ये चार्जिंग पॉइंट के जो ओनर हैं, मालिक हैं, हम उनसे कुछ बात करेंगे और उनसे कुछ जानकारी समझने की कोशिश करेंगे। और वो जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, कभी ना कभी उनको इस जानकारी की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये हम आपको जानकारी के साथ में वीडियो को आगे ले चलते हैं, और सभी लोगों से एक निवेदन करते हैं कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल को प्रेस करें, ताकि हमारी सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। सर जी नमस्कार, आपका नमस्कार। नाम? मेरा नाम प्रदीप गिलानकर है। प्रदीप गिलानकर, ओके। सर जी, ये जो चार्जिंग पॉइंट है,
ये कार के लिए है कि और दूसरी गाड़ियाँ भी चार्ज हो जाती है? ये फोर व्हीलर के लिए है स्पेशली। अच्छा, फोर व्हीलर फास्ट चार्जिंग स्टेशन है ये। ओके। और कोई भी फोर व्हीलर यहाँ पे आती है तो एक घंटे के भीतर ही फुल चार्ज होके एक घंटे में फुल चार्ज हो जाती है। यस यस। जैसे कि रोड पे मैं देखता हूँ हुंडई की कोना है, टाटा नेक्सॉन है और बहुत सारी है। जनरली अच्छा। पूरी ड्राई गाड़ी आती नहीं। हाँ। कुछ ना कुछ उसमें रहती है बैटरी। ओके। उसके बाद फुल होने में ज़्यादा से ज़्यादा एक घंटे के समय में हो जाती है। अच्छा, जैसे एक घंटे का जो उनका कॉस्ट रहता है चार्जिंग का, वो कितना रहता है? एक घंटे में करीबन 20 से 25 यूनिट तक चार्ज होता है गाड़ी। ओके। और 32 यूनिट में नेक्सन जैसी गाड़ी फुल चार्ज हो जाती है, या टिगर भी 30-32 यूनिट में फुल चार्ज हो जाती है, लेकिन एक घंटे में 25 से ऊपर ही यूनिट चार्ज हो जाती है। अच्छा, एक घंटे में 25 यूनिट बिजली खपत होती है और एक घंटे में वो गाड़ी फुल चार्ज होती है। तो एक घंटे में जो 25 यूनिट है उसका चार्ज कितना आता है, लगभग बिल कितना बनता है? इसमें ऐसा है कि एक ऐप है, उस ऐप में उनको पैसा डालना होता है। अच्छा। निकोल ईवी का। ओके। और उसमें पैसा डालने के बाद जब वो चार्जिंग करते हैं तो जितनी गाड़ी चार्ज होगी उसको 23 रुपये पर यूनिट के हिसाब से अच्छा पेड करना पड़ता है। हाँ। ओके। तो दोस्तों, यह सर जी का कहना है कि 23 रुपये पर यूनिट के हिसाब से एप्लीकेशन में पेमेंट करना पड़ता है, इसके बाद में यह चार्जिंग पॉइंट चालू होता है और वो चार्ज कर सकते हैं। और ये कितने दिन से ये चालू है, कितने दिन हो गए? ये अभी लगभग तीन महीने से चालू। 3 महीने हो गया। तो गाड़ियाँ कितनी आती हैं लगभग? गाड़ी अभी ज़्यादा नहीं आ रही, लेकिन भविष्य में गाड़ियाँ बढ़ने की संभावना देखकर ही हमने ये अच्छा। चालू किया है। और इलेक्ट्रिक गाड़ी अगर कोई यूज करता है तो भारत के लिए अच्छा है, प्रदूषण के लिए अच्छा है, भविष्य में लोगों की सेहत के लिए अच्छा है। सर जी, हम लोग जो भारत भ्रमण यात्रा कर रहे हैं, हमारा भी मकसद यही है कि लोगों को जागरूक करें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल अपनाओ, और इलेक्ट्रिक व्हीकल अपनाने से क्या है, प्रदूषण नहीं होगा, धुआं नहीं होगा, ध्वनि नहीं होगी, ऐसा है। बहुत अच्छा नेक काम कर रहे हैं आप। हमको हमने जब देखा कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल में घूम रहे हैं तो हम तो पहले तारीफ़ की आपकी, क्योंकि आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। ये सर्विस स्टेशन, ये चार्जिंग स्टेशन हर जगह पे नहीं है। नहीं, नहीं, नहीं। अगर नॉर्मल चार्जर पे लगा है थोड़ा, लेकिन क्या है कि ये हमको करना ही है। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो आपके समझ में आ गई होगी, जानकारी समझ में आ गई होगी। और जो सर जी का कहना है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदने चाहिए, डीजल पेट्रोल सीएनजी ज़्यादा से ज़्यादा नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि आने वाले दिन में इलेक्ट्रिक व्हीकल ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगे और हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए, हमारे देश के लिए, पर्यावरण के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत ही अच्छे हैं। उनमें कोई धुआं नहीं होता, ध्वनि नहीं होती, प्रदूषण नहीं होता। तो दोस्तों, अब हमारी ऑटो रिक्शा पूरी तरह से चार्ज हो चुकी है फुल। आप देख सकते हैं 110 पॉइंट दिखा रहा है टोटल, और 22,745 किलोमीटर हमारी टोटल ऑटो रिक्शा अभी तक चली हुई है। अब हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे, आगे की यात्रा हम शुरू करेंगे। हमारा चार्जर बंद हो चुका है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा आगे देखने के लिए आप वीडियो में बने रहें। आगे हम आपको दिखाएंगे कि जो 110 पॉइंट बैटरी दिखा रही है इसमें हम कितने किलोमीटर की यात्रा करेंगे, और ये पूरी जानकारी के लिए वीडियो आपको एंड तक देखना पड़ेगा। दोस्तों, कैसे लग रहा है ये पहाड़ी? बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ना? मुझे भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ओपन मनमान 24/43/83। और हम इतनी मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, सिर्फ आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। जो लोग बाहर नहीं घूम पाते हैं, कोई दिल्ली से है, कोई मुंबई से है, कोई बिहार, कोई बंगाल, कोई हिमाचल, कोई असम, कोई नागालैंड, कोई श्रीनगर, वो लोगों को पता ही नहीं है कि हिंदुस्तान है कैसा। हिंदुस्तान को सिर्फ नक्शे पर देखते हैं। उनके लिए हम ये मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए हम ये दिखा रहे हैं अपने ट्रियो ऑटो से कि आखिर
हमारा देश है कैसा? बहुत ही शानदार, घाटी पहाड़ी हाईवे रोड्स। अरे हमारे सामने डीजे वाले बाबू जा रहे हैं। दोस्तों ये पूरा पहाड़ी एरिया है, एकदम शानदार जानदार दमदार लग रहा है। और हम अपने ट्रियो ऑटो से ये यात्रा कर रहे हैं, आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल को प्रेस करें। पहाड़ी की देख सकते हैं, और यहाँ एक मंदिर भी बना हुआ है ऊंचाई में। बाप रे बाप, इतनी ऊंचाई पर मंदिर।